स्वागत है आप सभी का। हमारा आज का वीडियो है आहार नाल के एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जिसका कि नाम है स्टमक यानी कि आमाशय। यहां पर मैंने एक आमाशय का एक चित्र बना रखा है और आप इस चित्र के अंदर देख सकते हैं कि ये आहार नाल का सबसे ज्यादा डिस्टेंडेड पार्ट है, यानी कि आहार नाल का सबसे ज्यादा फैला हुआ भाग जो है वो कौन होता है, स्टमक होता है। और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि यहां पर भोजन का पाचन भी होगा। ओके, अब क्वेश्चन एराइज होता है कि स्टमक की पोजीशन कहां पर है, तो ये इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के मध्य पाया जाता है। ठीक है, इससे पहले अपने ने वीडियो में क्या पढ़ा था, इसोफेगस, और इसके बाद क्या पढ़ेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन और इसोफेगस के बीच में कौन पाया जाता है, स्टमक पाया जाता है। और ये कहां पर पाया जाता है, तो उदरीय गुहा में पाया जाता है। वी नो वेरी वेल दैट इट इज फाउंड इन द एब्डोमिनल कैविटी। तो यह उदरीय गुहा में, उदरीय गुहा में, ये पूरी उदरीय गुहा है, तो उस उदरीय गुहा में लेफ्ट अपर साइड, ये जो लेफ्ट भाग है उसके लेफ्ट एकदम नीचे नहीं है, लेफ्ट अपर साइड में डायफ्राम के ठीक नीचे जो है, ये डायफ्राम उदरीय गुहा में लेफ्ट अपर साइड में डायफ्राम के ठीक नीचे की ओर क्या होता है, ये पाया जाता है। ओके, और ये एक पेशीय अंग है जिसकी आकृति जो है वो कैसी है, जे आकृति का है, मतलब ये एक मस्कुलर ऑर्गन है और ये जे शेप्ड आकृति का होता है और ये ऑब्लिक पोजीशन में पाया जाता है, यानी कि ये तिरछा पाया जाता है। तिरछा कब तक, जब तक कि उसमें भोजन नहीं है। जब भोजन आ जाएगा तो उसका शेप क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। लेकिन एम्प्टी स्टमक जो है उसकी पोजीशन जो है उदरीय गुहा में वो कैसी है, थोड़ी सी तिरछी है, ये तिरछा पड़ा हुआ है। ओके, अच्छा, अब याद रखो स्टमक के दो भाग आपको दिख रहे होंगे, एक भाग कॉन्वेक्स है, ये वाला जो भाग है एक भाग आपको कॉन्वेक्स दिख रहा है ऐसा उठा हुआ, और एक भाग यहां पर अवतल दिख रहा है। ठीक है, और वो क्या है, कॉनकेव भाग है। तो इसका जो कॉनकेव भाग है उसको तो हम बोलते हैं लेसर कर्वेचर, और जो कॉन्वेक्स भाग है उसको हम क्या बोल देते हैं, ग्रेटर कर्वेचर। मैं क्या कहना चाहता हूं, इसके निचले भाग को, इसके निचले कॉन्वेक्स, निचले कॉन्वेक्स मतलब ये निचला भाग है, नीचे वाला भाग, तो निचले कॉन्वेक्स भाग को तो हम कहते हैं दैट इज नोन एज द ग्रेटर कर्वेचर, और ऊपरी जो कॉनकेव भाग है उसको हम क्या कह देते हैं, लेसर कर्वेचर। तो दो तरीके के कर्वेचर है, ओके, निचला कॉन्वेक्स ग्रेटर कर्वेचर और ऊपरी कॉनकेव लेसर कर्वेचर। आर यू गेटिंग नाउ, यदि आप स्टमक को देखोगे तो इस स्टमक के अंदर, स्पेशली हम बात कर रहे हैं मानव के स्टमक की, तो स्टमक की हम बात करें तो इसके अंदर चार भाग होते हैं, कार्डियक, ये देख सकते हो आप कार्डियक, इनको हम आने वाले वीडियो के अंदर पूरा डिटेल्स में भी डिस्कस करेंगे, कार्डियक, फिर क्या होता है फंडिक और पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक यानी कि फंडस, पाइलोरस यानी कि पाइलोरिक, और बॉडी। आपको जनरल बुक्स के अंदर जो है वो केवल जो है वो तीन भाग देखने को मिलेंगे, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। ओके, लेकिन मैंने यहां पर ये चौथा भाग भी बताया क्योंकि ये भी एक स्टमक का भाग है, कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरस। ये देख सकते हो ये तो एक कार्डियक, फंडस और बॉडी और पाइलोरिक भाग, राइट, ये चार भाग मिलकर और क्या बनाते हैं, दैट इज नोन एज स्टमक बनाते हैं। ओके, अब जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जीवों के अंदर इसी प्रकार के भाग हों, हमारे अंदर तो क्या है, कार्डियक है, फंडिक है, बॉडी है और पाइलोरस है। लेकिन जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं, रूमिनेंट एनिमल्स का मतलब क्या है, रूमिनेंट एनिमल्स का मतलब ये जितने भी कैटल्स होते हैं, ठीक है ना, जुगाली करने वाले जो जीव होते हैं, रूमिनेंट एनिमल्स जो होते हैं, जैसे कि काऊ है, जैसे कि बफेलो इत्यादि है, इनके अंदर कंपाउंड स्टमक पाया जाता है, राइट। हमारी तरह इनमें ये कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक वगैरह और बॉडी वाले भाग नहीं पाए जाते हैं, रूमिनेंट एनिमल्स के अंदर कंपाउंड स्टमक पाया जाता है। और इस कंपाउंड स्टमक के अंदर चार बिल्कुल अलग से, मानव के स्टमक से बिल्कुल अलग चार तरीके के चैंबर्स पाए जाते हैं, एक का नाम है र्यूमन, दूसरा है रेटिकुलम, तीसरा है ओमेसम और चौथा है एबोमेसम। कितने चैंबर्स हैं, चार चैंबर्स हैं, र्यूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम और एबोमेसम, कुल मिलाकर चार चैंबर्स होते हैं। और हम जानते हैं कि ये जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं वो शाकाहारी एनिमल्स होते हैं और ज्यादातर घास खाते हैं, और हम जानते हैं कि ग्रास के अंदर क्या होता है, सेल्युलोज कंटेंट क्या होता है, ज्यादा होता है, तो इनके अंदर सेल्युलोज का डाइजेशन जो है, सेल्युलोज का जो पाचन है, वो इन चार भागों में से जो दो महत्वपूर्ण भाग है, र्यूमेन और रेटिकुलम,
रूमेन और रेटिकुलम के अंदर सेल्यूलोज का क्या होता है, डाइजेशन होता है, क्लियर है। हम ह्यूमन बींग्स के अंदर सेल्यूलोज का पाचन करने वाला सेल्यूलेज एंजाइम नहीं पाया जाता है, इसलिए हम ह्यूमन बींग्स के अंदर सेल्यूलोज का डाइजेशन नहीं होता है, ओके। साथ के साथ आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि स्टमक से संबंधित दो स्पिंक्चर हैं, राइट। स्टमक से संबंधित क्या है, दो स्पिंक्चर हैं। ये स्पिंक्चर जो है वो वॉल्व की तरह क्या करते हैं, काम करते हैं। तो हम कह सकते हैं एक तो कार्डियक वॉल्व है और दूसरा जो है वो कौन सा है, पाइलोरिक वॉल्व है, ओके। कितने वॉल्व है, दो वॉल्व्स हैं, एक पाइलोरिक वॉल्व और एक कौन सा है, दैट इज नोन एज द कार्डियक वॉल्व। तो ईसोफेगस और स्टमक की ओपनिंग पर, मतलब वह स्थान जहां पर ईसोफेगस स्टमक में ओपन होता है, वहां पर क्या होता है, कार्डियक स्पिंक्चर होता है। और वह स्थान जहां पर की स्टमक का पाइलोरिक भाग स्मॉल इंटेस्टाइन के प्रथम भाग ड्यूडेनम में खुलता है, वहां पर उस ओपनिंग के ऊपर एक कपाट होता है और उस कपाट को क्या कहते हैं, पाइलोरिक स्पिंक्चर। तो यहां पर जो ये दोनों ओपनिंग है, एक तो ईसोफेगस की ओपनिंग जो स्टमक में होती है और दूसरी स्टमक के पाइलोरिक भाग की ओपनिंग जो ड्यूडेनम में खुलती है, इन दोनों ओपनिंग्स को कंट्रोल करने के लिए क्या होते हैं, कार्डियक स्पिंक्चर होते हैं और क्या होते हैं, पाइलोरिक स्पिंक्चर्स होते हैं। और ये कार्डियक और पाइलोरिक स्पिंक्चर जो है वो भोजन के बैकवर्ड फ्लो को क्या करते हैं, रोकते हैं, राइट। कहने का मतलब है कि जो फूड जो है वो यहां से यहां पर आ गया है उसको बैक फ्लो होने से रोकना, राइट। तो ये काम किसके होते हैं, इन दोनों स्पिंक्चर्स के हैं। तो दो स्पिंक्चर, एक कार्डियक स्पिंक्चर और पाइलोरिक स्पिंक्चर, ओके। अच्छा, याद रहे कि खाली स्टमक में, जब एम्प्टी स्टमक एम्प्टी होता है और उसमें भोजन नहीं होता है, तो खाली स्टमक में कुछ फोल्ड्स पाए जाते हैं, खाली स्टमक के अंदर कुछ फोल्ड्स पाए जाते हैं और इन फोल्ड्स को हम गैस्ट्रिक रगीज कहते हैं। ये जो गैस्ट्रिक रगीज होती है, ये फोल्ड्स हैं, आमाशय के अंदर पाए जाने वाले वलन हैं, जो बिल्कुल झुर्रियों की तरह नजर आते हैं, रिंकल्स की तरह क्या होते हैं, ये नजर आते हैं। तो खाली स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक रगीज पाए जाते हैं, लेकिन जैसे ही स्टमक के अंदर फूड आ जाता है, या स्टमक फूड से भर जाता है, तो ऑटोमेटिकली ये जो रिंकल्स हैं या जो झुर्रियां हैं या जो फोल्ड्स हैं या जो रगीज हैं वो क्या हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं, ओके। और याद रखना कि स्टमक के अंदर इन रगीज का बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि रगीज लॉस्ट हो जाएं, यदि स्टमक के अंदर एम्प्टी स्टमक में रगीज ना पाए जाएं या ये फोल्ड्स ना पाए जाएं या ये डिसअपीयर हो जाएं, तो ये स्टमक कैंसर का प्राथमिक संकेत है। क्योंकि स्टमक कैंसर जैसे ही होता है तो स्टमक के अंदर ये जो खाली स्टमक के अंदर रगीज बनना जो होता है ये क्या हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है। और ये जो स्टमक है इसके क्या दो काम है, तो दो इसके महत्वपूर्ण काम है। एक तो ये भोजन को यांत्रिक रूप से मथने में काम आता है। आपके स्टमक के अंदर कुछ कर्निंग मूवमेंट्स होते हैं, कर्निंग समझते हो, जिस तरीके से आप छाछ या दही को बिलोते हैं ना, ऐसे, राइट, दैट आर नोन एज द कर्निंग मूवमेंट्स। तो भोजन को यांत्रिक रूप से मथने का जो काम है वो किसमें होता है, स्टमक के अंदर होता है, पहला काम, ताकि ये जितने भी पाचक रस होते हैं वो भोजन के साथ में अच्छे से मिल जाए, ठीक है। और फिर उसके बाद में भोजन का क्या होता है, केमिकल डाइजेशन होता है, यानी कि स्टमक इज ऑल्सो मेंट फॉर केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन के रासायनिक पाचन में सहायक होता है। हम जब आगे चलकर स्टमक के फंक्शंस को डिटेल में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि स्टमक के अंदर भोजन का केमिकल डाइजेशन होता है, यहाँ पर प्रोटीन का पाचन जो होता है वो पाया जाता है और थोड़ा बहुत जो है वो वसाओं का, लिपिड्स का भी पाचन होता है, क्लियर। तो वसा का और जो प्रोटीन्स है उनका भी पाचन यहाँ पर होता है। तो हमारा जो ये आज का वीडियो था वो एक स्टमक का इंट्रोडक्टरी पार्ट था, दिस वॉज द पार्ट वन। हम लोग स्टमक, क्योंकि स्टमक के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं और स्टमक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम लोग एक स्टमक की 3-4 सीरीज लेकर आएंगे जिसके अंदर की हम स्टमक को पूरा डिटेल्स के अंदर डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप नोट्स को मेंटेन कर सकें।